गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यशवीर कश्यप। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8। चैप्टर नेम इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। देखिए, क्लास 8 का चैप्टर 3 है ये सिविक्स का, और चैप्टर नेम है हमारा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, या जो पार्लियामेंट है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे ये वर्क करता है, उस सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्फ ऑन बींग अ डेमोक्रेसी। देखिए, हमें इस बात का बहुत अधिक प्राइड होता है, बहुत अधिक प्राउड होता है, एक तरह से गर्व होता है कि हम हमारी जो मतलब इंडिया है उसमें एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो हमारा मतलब एक तरह से रूलिंग सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है, ठीक। तो इस तरह से डेमोक्रेसी होने पर हमें उस पर बहुत अधिक प्राइड है, क्लियर। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। और देखिए, इसमें ये बताया गया कि हमें ये समझना चाहिए कि जो लोगों के जो मतलब जो सिटीजन्स होते हैं उनके जो कंसेंट होते हैं, उनकी जो मतलब एक तरह से सहमति होती है, उस सहमति से ही मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है उसको वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, वहाँ की जो मतलब पीपल हैं, अगर उनकी मर्जी से, उनकी मतलब सहमति से अगर कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो वहाँ के पीपल होंगे वो उनके बहुत ज़्यादा एंटी हो जाएंगे गवर्नमेंट के, ठीक है। और इस तरह से जो गवर्नमेंट है, जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको मतलब सिटीजन्स ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो वो भी मतलब उनके लिए भी वो एक तरह से हटा सकते हैं, हटवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो आइडियाज़ हैं, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशंस के आइडियाज़ हैं, ठीक है, और नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको आवश्यकता होती है टू हैव द कंसेंट, कि वो मतलब कंसेंट करें, मतलब मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करें ऑफ देयर सिटीजन्स, जो उनके सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स के मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करें अपना, ठीक है, उनकी सहमति से ही जैसा वो चाहते हैं उस तरह से उन्हें वर्क करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज बेस्ट बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और देखिए, इस तरह के जो मतलब ये एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिटीजन्स की कंसेंट से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, और ऐसे ही मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो मेक अस डेमोक्रेसी एंड दिस बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं वो, ठीक है, जो ये एलिमेंट हैं, इसी तरह के एलिमेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू सी, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हाउ द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो अपने सिटीजन्स के लिए, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कैसे मतलब कंट्रोल करती है, ठीक है, दस मेकिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड
आ की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से क्या है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है, इस प्रकार से एक इंडियन डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट सिंबल बनता है, ठीक है, एंड की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर्स हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। मतलब वो एक तरह से जब यहाँ की जो सिटीजन्स होंगे वो पार्लियामेंट है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट है, अगर वो उनके मतलब अगेंस्ट वर्क कर रही है तो जो पार्लियामेंट है वो उन पर काफ़ी कंट्रोल रखती है, ठीक है। तो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि जो यहाँ के पीपल हैं उन्हें डिसाइड क्यों करना चाहिए, कोई भी डिसीजन मेकिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मतलब डिसाइड करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि इंडिया एज वी नो, इंडिया जैसे कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बीकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिशर से, ठीक है। और प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। और इसमें क्या हुआ था कि दिस वाज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, और इसमें जो स्ट्रगल चला था, जो संघर्ष चला था इंडिपेंडेंट के लिए, वो काफ़ी लंबा चला था और उसमें बहुत अधिक डिफ़िकल्टीज हुई थी, ठीक, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई थी, इन विच जिसमें कि बहुत कई सोसाइटी के जो ग्रुप्स थे, सेक्शन थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब समाज के काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उसको मतलब इंडिपेंडेंट कराने के लिए इंडिया को, ठीक है। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइंड द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम। देखिए जो पीपल थे फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड से वो ज्वाइन हुए थे, उन्होंने इस स्ट्रगल में ज्वाइन किया था, ठीक है, संघर्ष में, एंड दे वर इंस्पायर्ड, और वो इससे बहुत अधिक इंस्पायर्ड हुए थे, किससे, जो आइडिया ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम का ये आइडियाज थे, इससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, क्लियर। इक्वलिटी, और जो यहाँ की जो इक्वलिटी थी, ठीक है, उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन था उससे भी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से ही हमारी जो इंडिया थी वो इंडिपेंडेंट हो पाई थी, ठीक। अंडर कॉलोनियल रूल, देखिए जब जो औपनिवेशिक जो कॉलोनियल रूल थे उसके अंडर में क्या था कि द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, कि जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर में रहते थे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा डर के रहते थे, एक तरह से उनके अंदर फियर बना रहता था, भय बना रहता था, ठीक है। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी द डिसीजंस दैट दे टुक वट एंड डिड नॉट एग्री, और वो सहमत नहीं होते थे, इस बात से एग्री नहीं होते थे विद मैनी ऑफ डिसीजंस हैं, जो मतलब बहुत सारे डिसीजंस जो उनके द्वारा लिए जाते थे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते थे जिससे कि वो सहमत नहीं, एग्री नहीं होते थे उनके डिसीजन से, क्योंकि वो हमेशा अपने ही मतलब फेवर में वर्क करते थे, ठीक है। बट दे फेस्ड ग्रेट डेंजर इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस बट दे फेस्ड, लेकिन वो इसका फेस करते थे, बहुत सामना करते थे ग्रेव डेंजर्स, जो ये डेंजर्स होते थे मतलब इस तरह से, मतलब जो उनके अंदर डर बना रहता था उसको वो सामना करते थे, इफ़ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस हैं, यदि वो
इनके जो डिसीजंस होते थे उनकी वो क्रिटिसाइज करते थे, अगर वो उनकी आलोचना करते थे उनके डिसीजंस की, तो उनके अंदर बहुत एक तरह का डर सा बना रहता था। जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने कोई भी मतलब रूल फॉलो किया है, ठीक है, अगर उसकी हम जो इंडियन थे वो अगर उसकी आलोचना करने लगे, उसे क्रिटिसाइज करने लगे उनके डिसीजंस को, तो उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से खतरा बना बना रहता था, ठीक है, डेंजर होता था उनके लिए ये बात। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन, और जो ये फ्रीडम मूवमेंट होता था इस सिचुएशंस का, ठीक है, वो चेंज हो जाता था एक तरह से, ठीक है, दिस सिचुएशन चेंज दिस सिचुएशन, तो जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था वो उसने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया था एक तरह से, मतलब सिचुएशन जैसे जो भी मतलब डर के लोग रहते थे उसको काफ़ी चेंज कर दिया था, क्योंकि लोग फ्रीडम के लिए ही मूवमेंट करने लगे थे एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द नेशनलिस्ट्स बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो मतलब हमारे लीडर्स थे वो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे, ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे थे एंड मेक डिमांड्स, और अपनी डिमांड्स रखने लगे थे एज फॉर बैक एज 1885। और जैसे जब 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी डिक्लेयर्ड मेंबर इन द लेजिस्लेचर, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने ये डिमांड रखी थी कि जो भी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन लेजिस्लेचर में उनको मतलब उसमें हमें भी पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक है, हमें भी मतलब उसमें इलेक्ट करने का मौका दिया जाए इस तरह से, जिससे जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी उसमें होंगे लेजिस्लेचर में, तो वो हमारे मतलब एक तरह से हित की बात करेंगे, क्लियर। विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, और इस तरह से क्या होगा कि जब हमारे मेंबर्स लेजिस्लेचर में होंगे तो वो हमारे राइट्स के लिए डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, जो बजट है उसके लिए डिस्कस करेंगे एंड आस्क क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करेंगे, वो पूछेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और जो 1909 में आपका मतलब इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसमें क्या अलाउ किया गया था, अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें कुछ हमारे जो रिप्रेजेंटेशन थे उनको अलाउ किया गया था, ठीक है, कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी मतलब इसके लिए अलाउ हो सकें, ठीक है। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट्स, और इस तरह से क्या हुआ था कि वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर, और जो मतलब अर्ली लेजिस्लेचर बना था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, वर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट, कि उसने जो नेशनलिस्ट थे उनकी बहुत अधिक डिमांड को बढ़ा दिया था, उनकी बहुत सारी डिमांड्स बढ़ गई थी, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट, और वे जो मतलब एडल्ट्स होते थे उनके लिए उन्होंने वोट देने के लिए अलाउ नहीं किया था, यानी कि उनको वोट देने का राइट्स नहीं दिया गया था, और नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही वहाँ के यहाँ के जो पीपल थे उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दिया था, यानी कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे, और ना ही जो एडल्ट थे उनको वोट देने का राइट्स दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए जो लोग थे यहाँ के और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे
वो मतलब किस तरह से अपना वर्क करते थे, ठीक है, कैसे, तो इसमें बताया द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इन द इज़ द आइडियाज ऑफ कंसेंट द डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट द इट्स फंक्शनिंग। देखिए इसमें बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो जो मेन पॉइंट है वो आपका एक कंसेंट ऑफ आइडिया ऑफ कंसेंट, मतलब एक सहमति का एक आइडिया है वो एक तरह से, यानी कि जो लोगों की कंसेंट होती है उस आइडिया पर वो वर्क करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में मतलब ये है कि जैसे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आपकी लोगों की मर्जी से ही चलती है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि पीपल के द्वारा जो जो पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो अपनी उसमें डिज़ायर इच्छा व्यक्त करते हैं, अप्रूवल सहमति देते हैं एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक। और जो लोगों का पार्टिसिपेशंस होता है ये भी आपका डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये ही जो डिसीजन होता है एक तरह से, ठीक है, लोगों का ये डिसीजन होता है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्रिएट करता है, यानी कि एक प्रजातंत्र सरकार बनाता है एक तरह से, एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और इसकी जो फंक्शनिंग होती है उसको भी डिसाइड करता है। क्लियर? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, वर्क करने का जो तरीका होता है उसको भी ये डिसाइड करता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको किस तरह से वर्क करना चाहिए, मतलब यहाँ के सिटीजन्स के हित में वर्क करना चाहिए या उसके अपोजिट वर्क करना चाहिए, तो ये सब इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इंडिविजुअल ऑफ सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। और देखिए जो यहाँ पार्लियामेंट के जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरह से, जो यहाँ के सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मतलब अपने सिटीजन्स में एक तरह से ट्रस्ट बनाना पड़ता है, उन्हें एक तरह से विश्वास बनाना पड़ता है कि अगर जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर वो उनके हित में वर्क करेंगे, ठीक है, सिटीजन्स के हित में वर्क करेंगे, उन पर एक तरह से अपना ट्रस्ट बनाए रखेंगे, तो उनको दोबारा से पब्लिक है वो दोबारा से इलेक्ट कर सकती है, ठीक है। और अगर वो उनके हित में वर्क नहीं करेंगे, गवर्नमेंट उसके अपोजिट वर्क करेगी, तो क्या होगा कि उसके गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स सिटीजन्स ने मतलब इलेक्ट किए थे उनको वो कभी इलेक्ट नहीं कर सकती है। क्लियर? तो इस तरह से ये इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, ठीक है, और एक तरह से इन पर ट्रस्ट बनाना पड़ता है इनको अपने सिटीजन्स पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरह से गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल होते हैं, ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। तो इसमें क्या है कि वो मतलब इलेक्शन के द्वारा अपनी मतलब जो उनकी इच्छा है, अप्रूवल है, जो सहमति है, वो इलेक्शन के द्वारा मतलब दे सकते हैं। जैसे मान लिया इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होते हैं, उनको मतलब जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्शन में उनको इलेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो उनकी सहमति उसमें नहीं मानी जाएगी, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमॉन्ग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट।
और देखिए इसमें बताया गया है कि पीपल वुड इलेक्ट, और जो लोग होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए, देन वन ग्रुप फॉर्म्स अमंग दीज इलेक्टेड। तब क्या होता है कि जो ये पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, इलेक्ट किया हुआ होता है, चुनाव चुना जाता है, तो यही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारी फॉर्म होती है, गवर्नमेंट बनती है। क्लियर। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। देखिए जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, वो सभी जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन पर वो कंट्रोल करती है, एंड गाइड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए गाइड करती है। क्लियर कि किस तरह से उनको वर्क करना चाहिए, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो किस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, इन सबको वो गाइड करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। और इस तरह से क्या होता है कि इस सेंस में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, चुनते हैं फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उनसे, एंड आल्सो कंट्रोल इट, और इन पर वो कंट्रोल भी रखते हैं एक तरह से। भाई जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, ठीक है, और अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी मतलब जनता के भलाई के लिए ही वर्क करेंगे। अगर वो उनकी भलाई के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो पब्लिक है वो उन पर कंट्रोल करेगी एक तरह से, उनको हटा भी सकती है उनके पद से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो इस पर कंट्रोल रखती हैं, कंट्रोल भी रखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, द एबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन इम्पोर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 एंड 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो इसमें आपका ये एक एक्टिविटी टाइप की दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।